नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत की विशेष कार्यक्रम अंदर की बात कहें या अंदर की खबर कहें या भितरिया बात कहें, ब्यूरोक्रेसी की भितरिया खबर लेकर के हम आप तक पहुंचे हैं। और ब्यूरोक्रेसी मतलब पटेल भवन। पटेल भवन में कुछ न कुछ रोज़ एक कहें जो एक चौका गजट निकलता है और उस पर चर्चा होती है। सबसे ज़्यादा चर्चा अभी इन दिनों हो रही है जो DGP बार बार अचानक इतनी जल्दी जल्दी दिल्ली क्यों जा रहे हैं। सबको इसकी मतलब कहें जो सब इसको जानने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन कोई उनसे पूछ नहीं सकता है क्योंकि वो राज्य के DGP हैं। लेकिन जो बातें निकल के बहुत कुछ आई है आपके सामने, आपको हम बताएंगे। DGP के बारे में कहा जा रहा है जी इन कारणों से दिल्ली हो जा रहे हैं, और कई तरह की बात है। एक IG रैंक के पदाधिकारी को कहा जा रहा है NOC मिल गया है, फिर वो सेंट्रल जा रहे हैं। हमको लगता है जो उनका समय पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के आँख के तारे हैं, शायद वो NOC मिल गया हो। वैसी स्थिति में, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं, जो सरकार अभी अगले 2-3 वर्षों तक किसी को NOC नहीं देने जा रही है या कहीं बाहर नहीं भेजने जा रही है, बशर्ते कि बाहर में जिनका समय पूरा हो गया सेंट्रल डेप्यूटेशन में, उनको बुलाने की तैयारी में है। कुछ अपने कारणों से लौट रहे हैं, कुछ सरकार लौटा रही है, कुछ का समय पूरा हो चुका है। किसी कारण से है जो वो बिहार में अगर रहते तो IG रहते, और सेंट्रल में अभी उनकी IG में इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। ऐसे दो अधिकारी हैं, तो इन सब का एक एक करके हम बताएंगे। पहले बता दें जो कौन से अधिकारी हैं जहां से वो आने की तैयारी में है। कहें जो परेश सक्सेना, उनके भी आने की बात कही जा रही है। उसके बाद कहें जो मनु महाराज और जितेंद्र राणा। जितेंद्र राणा CISF में हैं और मनु महाराज ITBP में हैं। ये अभी बिहार में रहते तो IG रहते, लेकिन वहाँ पर DIG हैं, और कहें जो वहाँ इन दोनों व्यक्तियों का, ये दोनों IPS अफसर का इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है IG में। वैसी स्थिति में ये दोनों लौटने की सोच रहे हैं, और अब ये लौटेंगे क्योंकि दोनों अफसर बिहार के ही कैडर के हैं, और दोनों ने कई जगहों पर काम भी किया है। CISF के रूप में मनु महाराज ने अच्छा काम भी किया है, और कहें जो काफ़ी मेहनत भी की है उसको लेकर के। कहें जितेंद्र राणा लास्ट में मोतिहारी में थे, वहीं से वो गए थे हरियाणा, गए थे स्टेट डिप्रेशन में, फिर आजकल वो कहीं CISF में आ गए हैं। फिर SSB के IG हैं पंकज दराद। ये SSB, ITBP, ये सब जो है पूरे देश की संस्था है। अभी तो पंकज दराद साहब पटना के SSB के IG हैं। हो सकता है इनको कहीं से ये जानकारी मिली हो जो अब आप कहीं दूसरे जगह आपका ठिकाना हो सकता है, और ये इतने दिनों से बिहार में हैं, बिहार में रह गए, पटना में रह गए। और एक होता है सेंट्रल डिप्टेशन का एक मतलब वो होता है, लोगों की इच्छा होती है क्योंकि उनके नौकरी में के लिए ये अच्छा माना जाता है जो एक कोई IAS IPS सेंट्रल डिप्टेशन पे जाए, और जिसको लेकर के उसका जो बढ़ोतरी होता है, उसकी नौकरी को अच्छी मानी जाती है, प्रमोशन काम आता है, उसका अंक बढ़ता है, ग्रेस अंक मिलता है। तो वो तो पूरा कर लिए पंकज दराद, अब वो हो सकता है फिर बिहार लौटे। शायद उन्होंने लिख के भी दिया है पुलिस मुख्यालय को, सरकार को, जो मुझे वापस बुला लिया जाए। मनु महाराज जितेंद्र राणा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। अब पंकज दराद साहब के बारे में, अनुपमा निलेकर, वो BPRND में है, और कहा जा रहा है जो उनका समय पूरा हो गया, वो 1/1/2019 को वो वहाँ गई थी, अब 24 हो रहा है। तो इन सब जगहों पर 5 साल से अधिक सेंटर नहीं रखती है, और जब राज्य सरकार को लग रहा है कि 5 साल हो गया है, उनके IPS अफसर दिल्ली में है और यहाँ का पोस्ट खाली है, क्योंकि यहाँ कई सारे DIG ADG रैंक के पोस्ट भी खाली हैं, डबल चार्ज में है, ट्रिपल चार्ज में है। वैसी स्थिति में कहें जो अनुपमा निलेकर मैडम को भी बुलाया जा सकता है। अब जगमोहन अभी अब्रॉड में है, वो IB में है। IB के अधिकारी अगर सेंट्रल डिप्टेशन में IB में जो अधिकारी चले जाते हैं, वो अमूमन IB छोड़ती नहीं है, और वो वहाँ से आना भी नहीं चाहते क्योंकि हार्डकोर माने जाते हैं, और IB देश की गुप्तचर संस्था में से एक है। वैसी स्थिति में जो एक बार वहाँ पे चला जाता है, उसके बाद वहाँ से आने में परेशानी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट IB जो है वैसे अधिकारियों को छोड़ना भी नहीं चाहते। अनिल किशोर यादव है जो हाल ही में गए हैं BPRND में है, उनके अभी आने की संभावना भी नहीं है। ON भास्कर है IB में है, उनके अभी आने की संभावना नहीं है। रतन संजय SSP में है, इनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, ये गए हैं 19 जनवरी 2021 को। अब आ जाइए सुजीत कुमार CBI में है, 22 में ही गए हैं। सिद्धार्थ मोहन जैन के बारे में कहा जा रहा है जो वो लौट सकते हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, अभी CBI में है, उनका 4 साल हो गया है। तो किसी डिपार्टमेंट में 4 साल, किसी में 5 साल, ऐसे करके सेंट्रल डिप्टेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ मोहन जैन के भी आने की संभावना है।
उपेंद्र कुमार शर्मा रॉ हैं वो 22 में ही गए हैं, सत्यवीर सिंह भी 22-23 में गए हैं, उन नताशा गुड़िया भी 22 में गई हैं। तो एक तरह से कहें जो सौरभ कुमार शाह 18 में गए हैं, और वो गए थे किसी मंत्रालय में हैं, वो किसी मंत्रालय में वो किसी के सचिव के पद पर हैं, लेकिन इनका भी 6 साल पूरा हो गया है। तो सरकार एक नियम बना रही है, एक निर्णय लेने जा रही है, जिनका समय पूरा हो गया है सेंट्रल में, वैसे लोगों को बुलाया जाए। और पटना में जो पटना आईजी हेडक्वार्टर है उनके बारे में कहा जा रहा है जो उनको एनओसी मिल गया है, बोलता है 2-3 साल पहले ही वो आए हैं वहाँ से, अब फिर वो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं जो सरकार इनको कब तक छोड़ती है, क्योंकि कहा जा रहा है जो एनओसी, क्योंकि इनकी छुट्टी थी 3 अगस्त तक, और इनको जानकारी मिली जो एनओसी मिल गया है तो ये बीच में ही आए हैं, 2 दिन पहले ही पटेल भवन में आए हैं, और हमको लगता है जो वहीं जाने की तैयारी में आए हैं, उसके लिए कुछ जो होते हैं जो नियम कानून कागजात वही सब बैठाने के लिए आए हैं। अब कहें जो ध्रुत साइली सावलाराम, ये सीबीआई में है, 22 में गई है, इनके आने की संभावना नहीं है। मतलब कहें जो मनु महाराज, पंकज दराज, जितेंद्र राणा, अनुपमा नीलकर, ये 4 जो हैं एकदम बिहार लौटने के राह पर हैं, और इसके बाद और कई ऐसे आईपीएस हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं। कहें जो अभी पी कन्नन भी लगे हुए हैं जाने की फिराक में, पी कन्नन जाएंगे तो उनकी पत्नी भी जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा जो अब सरकार कितने को वहाँ से बुलाती है, कितने को यहाँ से भेजती है। अब आइए अब डीजीपी के बारे में बात करते हैं। डीजीपी लगातार क्यों जा रहे हैं दिल्ली? दिल्ली जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको सेंट्रल डिप्रेशन में कई साल रहे, वो पटना के बिहार में उन्होंने कल सिटी एसपी तक ही काम किया, उसके बाद एक बार चुनाव आयोग ने उन्हें पोस्टिंग कराया था डीआईजी कम एसपी के रूप में सिवान में, उसी में उनकी साहबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, एक महिला दरोगा ने गिरफ्तार किया था, उस समय वो सिवान वो संभाल रहे थे। तो इन सब कारणों से ये तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ही, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं सेंट्रल में लगता है, और सीबीआई में कई वर्षों तक काम किए। इत्तफाक से इसी महीने सीआईएसएफ के डीजी का पोस्ट खाली हो रहा है, वो रिटायर कर रहे हैं, और इनकी इच्छा है या प्रयास कर रहे हैं कि सीआईएसएफ में डीजी के रूप में वहाँ योगदान दें, और इसके लिए प्रयासरत भी हैं। इसके लिए लगातार ये दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली में 2 विभाग के जो महत्वपूर्ण सचिव हैं उनसे इनकी अच्छी बनती है, और उनके साथ ये लगे हुए हैं जो सीआईएसएफ के डीजी के रूप में इनकी पोस्टिंग हो जाए, और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। आज 24 तारीख है, उनको लगता है 6 दिन और है उनको रिटायरमेंट का, वैसी स्थिति में ये लगे हुए हैं, और अगर ये वहाँ चले जाते हैं, तो एक नए जो डीजी हैं बिहार के, जो तत्काल डीजी निगरानी हैं, रेस में उन्हीं का नाम आगे चल रहा है भट्टी जी के जाने के बाद, मतलब ये बात नहीं जो भट्टी जी के रहते हुए, ऐसे सरकार कभी कुछ कर सकती है, और अभी सत्र चल रहा है, और सत्र के बाद बहुत आमूलचूल परिवर्तन करेगी सरकार, बहुत सारे जिलों के एसपी भी हटेंगे, अभी जिनका 3 साल से ऊपर हो गया अपने जिला में वैसे एसपी हटेंगे, जहां पे क्राइम बढ़ रहा है, जहां क्राइम कंट्रोल नहीं है, वैसे सरकार की नज़र में डीजीपी साहब ने तो क्राइम कंट्रोल करवा दिया है बहुत स्मार्ट तरीके से, लेकिन सरकार भी रोज देखती है, विपक्ष हंगामा करता है। आज कांग्रेस ने एक रैली भी की जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, आरजेडी ने भी रैली की थी, मतलब कहें जो पैदल मार्च किया था, रोज बुलेटिन जारी होता है क्राइम बुलेटिन, आज भी मतलब कहें तो एक तरह से सरकार को ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अपराध बढ़ रहा है। वैसे पटेल भवन के अधिकारियों ने सरकार को ये यकीन दिला दिया जो आपके राज्य में क्राइम नहीं बढ़ा है, और जिस क्राइम को हत्या कहा जा रहा है उसका फिगर इस तरह से परोसा गया जो मुख्यमंत्री भी मतलब एक मिनट के लिए मौन हो गए, जो आखिर सही में ये तो सारे अधिकारी हैं बता रहे हैं क्राइम नहीं बढ़ रहा है, तब कैसे विपक्ष हंगामा कर रहा है? तो ये स्मार्टिंग जो स्मार्ट तरीके से अपनी बातों को पुलिस मुख्यालय के लोगों ने सीएम के सामने रखा, और लेकिन सीएम भी जानकार हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का अभाव है, और ट्रेनिंग सही से नहीं हो रही है, और गश्ती सही से नहीं हो रही है। अब गश्ती जैसे शब्द जो कि मुख्यमंत्री तो नहीं निकलते हैं रात में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास फीडबैक है, गश्ती नहीं हो रही है, थाने में लोगों की सुनी नहीं जा रही है। गया में कल एक थाना प्रभारी और 2 लोगों को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसके घर से फर्जी या थाने से निकाल के एक बंदूक उसके यहाँ
से रखा गया, फिर उसको बरामद करके दिखाया गया और उसको एक्यूज बनाया गया। वैसी स्थिति में देखें बिहार पुलिस के ये कारनामे, कल पटना के सिटी एसपी खुद लोगों से पूछ रहे थे, फोन करके थानेदार से बात कर रहे थे, जो फलना आदमी ने जो सनहा लिखाया, जो कल आवेदन दिया, क्या आपने उसका एफआईआर किया? एफआईआर सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा बिहार में पटना में। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं, मेरी पत्नी का सोने का चेन छिना गया और वो गई थाने में कंकड़बाग में, वहां कहा गया जो अगर मेल आईडी आपके पास नहीं है तो एफआईआर नहीं होगा। मैंने एक मेल आईडी क्रिएट किया था जो शायद अभी एक्टिव नहीं है, वो मेल आईडी मैंने दिया, आज तक एफआईआर का नंबर नहीं आया, एफआईआर नहीं हुआ। तो अब आप बताइए जो अगर दलित बस्ती में मुजहर टोले में अगर किसी के साथ कोई कांड हो जाए तो क्या उनके पास मेल आईडी है? किसी रिक्शा वाला, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले के साथ अगर कोई कांड हो जाए, वो एफआईआर करने जाएं तो कहां से मेल आईडी लेंगे? तो मेल आईडी, क्योंकि जब मैंने अपने कुछ प्रिंट के दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा जो आपका मेल आईडी नहीं था इसीलिए आपको कॉपी नहीं मिली। अब मेल आईडी का क्या चक्कर है तो हमको समझना भी होगा, आखिर क्या है मेल आईडी का चक्कर? मेल आईडी नहीं तो एफआईआर नहीं। तो हम बात भटक रहे थे, तो अब भट्टी जी देखते हैं अपने प्रयास में कितना सफल हो पाते हैं और कहां तक वो सफल हो पाते हैं, क्योंकि भट्टी जी के दिल्ली जाने के बाद एक आलोक राज जी का भी चांस बन रहा है, रेस में सबसे आगे हैं, और भी कई लोग जो हैं, कई सारे जिले के एसपी का ट्रांसफर होना है और हम नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उत्सुकता बढ़ जाती है। जो मेरे पास जो चौका गजट है, क्योंकि इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले एक चौका गजट निकलता है, हर दिन एक गजट निकलता है, गजट मतलब आप समझ रहे होंगे अध्यादेश टाइप का होता है, तो चौका गजट है, मतलब कहें जो डीजी को छोड़ दे एडीजी से लेकर के एसपी तक का ट्रांसफर उस चौका गजट में हो जाता है, और उसमें जो नाम आता है सामने उसमें से लगभग 40% सही भी होता है, क्योंकि वो चौका गजट निकालते हैं पटेल भवन में ही बैठे हुए अधिकारी, वही तय करते हैं, वही मतलब क्रॉस चेक करते हैं, ए ने पूछा बी से, बी ने पूछा सी से, फिर सी पूछेगा ए से, और फिर बी पूछेगा ए से, तो वो बातें जब मिलती हैं तो और वहीं से वो फाइल भी जनरेट होता है, नाम भी तय होता है, नाम भी हो जाता है। तो वैसी स्थिति में 28-29 के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है ब्यूरोक्रेसी में, पटेल भवन में, और पटेल भवन में इसलिए क्योंकि कुछ अपराध भी बढ़े हैं, कुछ लोगों का 3 साल से ऊपर भी हो गया है, भट्टी जी लगातार दिल्ली का दौरा भी कर रहे हैं, भट्टी जी लगे हुए हैं कहीं के लिए, अगर वो हो जाता है तो अब वो 1 साल और उनका टर्न बढ़ जाएगा, अभी वैसे वो कहें जो अगले साल वो रिटायर करने वाले थे, अगर वो पोस्ट पर उनको मिल जाती है तो फिर उस जिस डेट से होगा उस डेट से 2 साल तक के लिए वो वहाँ रह जाएंगे। तो वैसी स्थिति में अब बिहार में पटेल भवन में कुछ उथल पुथल जरूर होने वाला है। अब हम लोग को इंतजार रहेगा जो आखिर सरकार नीतीश कुमार और कहें जो दीपक कुमार जो उनके प्रधान सचिव हैं, और ये सब किस तरह का निर्णय लेते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। अगर कहा तो ये भी जा रहा है जो बिना दिल्ली गए ही भट्टी साहब यहीं पर रहेंगे और डीजीपी ही की पोस्ट पर रहेंगे, तो वैसी स्थिति में सब कुछ का इंतजार रहेगा, देखना ये होगा जो डीजीपी भट्टी साहब कहाँ रहते हैं, पटेल भवन में रहते हैं कि दिल्ली की गलियारों में रहते हैं। और सीआईएसएफ हमने बता दिया जो पद खाली है डीजी का होने जा रहा है 30 तारीख को, वैसी स्थिति में भट्टी साहब प्रयास में लगे हुए हैं, अब आने वाला समय ही बताएगा जो किस तरह वो कितनी अपने प्रयास में सफल होते हैं।